नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा, हैप्पी लाइफ विद बोकारो गार्डन में आज आपको स्पेशल मकई की रोटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मकई की रोटी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की थी, गांव में जो मकई की रोटी बनती है उस तरह की, लेकिन आज मैं स्पेशल बच्चों के लिए शेयर कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप मकई की रोटी बनाते हैं मक्की की, तो बच्चों को बहुत आनंद आता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर, आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ 5 कप मकई का आटा लिया है। साथ ही यहाँ पर डालने के लिए कुछ वस्तुएँ हैं, इसमें आप जो भी सब्जी चाहे उसको, जो आपको पसंद हो उसको आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने क्रश करके 2 प्याज रखे हुए हैं, यहाँ बंदा गोभी मैंने डाली है। आपको जो सब्जी मर्जी हो, पालक वगैरह जो भी आप चाहते हैं उसको आप, लेकिन आपको कद्दूकस करके इस तरह से एकदम महीन रखना है। यहाँ 2 मैंने गाजर रखे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं हरी मिर्च है, और ये है चिली फ्लेक्स। दोस्तों मैंने एक कढ़ाई डाल ली है गैस पर, और इसमें अब 2.5 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ये 2.5 कप पानी, 2 कप मैंने डाल दिए और 1/2 कप पानी और मैं इसमें डाल रही हूँ। दोस्तों इसमें मैंने 2.5 कप पानी डाल दिए हैं, और 1 चम्मच इसमें कोई भी जो आप ऑयल यूज करते हैं 1 चम्मच, या फिर देसी घी आप 1 चम्मच इसमें डाल दें। दोस्तों इसमें सबसे पहले चिली का जो फ्लेक है उसको मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद यहाँ जो प्याज है, 2 प्याज है एकदम महीन किया हुआ है, इसको मैं डाल रही हूँ। वो बंदा गोभी है तो बंदा गोभी भी मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ गाजर है, गाजर को भी डाल देनी है, और जो कुछ भी सब्जी आपको पसंद हो उसको आप इसमें डाल दे सकते हैं। अब इसमें एक उबाल अच्छे से आने देनी है। दोस्तों स्वाद के अनुसार आप नमक डाल लें और इसमें एक उबाल आने दें। इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती भी आप डाल दें। अब आप देखेंगे कि ये खौलने लगेगा, खौलने लगा है कहो तो, जब एक इस तरह से इसको मिला दिया सबको। दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि इसमें उबाल आ गया है। अब जो यहाँ पर आटे है उसको इसमें डालना है। दोस्तों अब इसमें आटे को डालने के बाद, और इस तरह से आप इसको सबको आपस में केवल इसको अच्छे से मिला देनी है, इसको कुछ पकाना नहीं है। इस तरह से इसको करने के बाद आप गैस को ऑफ कर देना है। जब ये मिल जाए इस तरह से सब, तो फिर इसको गैस को आपको ऑफ कर देनी है। दोस्तों अब मैं इसको किसी पॉट में निकाल ले रही हूँ, इसी तरह किसी बर्तन में निकाल लेनी है, और इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। जब तक हाथ बर्दाश्त ना करे तो ऐसे में नहीं छूना है, जब हाथ में गर्मी बर्दाश्त कर सके तो फिर इसको मसल के तैयार करना है। दोस्तों अब ये बर्दाश्त करने लायक हो गया है हाथ में, तो अब इसको, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ये जो गर्म हो उसी में आपको इसको मिलाना है, और जितनी अच्छी तरह से आप इसको मिलाएंगे, आप देखेंगे सब एक साथ होते जा रहा है, जितनी अच्छी तरह से आप इसको मिलाएंगे उतना ही बेहतर, उतना ही सॉफ्ट आपकी रोटी बनेगी। इस बात का ख्याल रखें और थोड़े गर्म में ही इसको मिलाएं। पानी की आवश्यकता नहीं होगी, पानी जो इसमें डाले गए हैं वो काफ़ी हैं और पूरे हो जाएंगे। इस तरह से इसको आपस में सबको मिलाएं। दोस्तों देसी घी इसमें अगर 1 चम्मच डाल दिया जाए तो बहुत बेहतर रहता है, तो 1 चम्मच आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसको यही यहाँ पर जो आपको इसको तैयार करना है अच्छे से, इसको जितने अच्छी तरह से मसल मसल के आप इसको तैयार करेंगे उतने अच्छे रूप में ये आपका तैयार होगा। अगर आपको अधिक बनाना है, जैसे मेरे को आप देख रहे होंगे थोड़ा ज़्यादा है, तो आप इसको 2 भाग में करके भी, 1 भाग करके और फिर दूसरा भाग करके 2 भाग में बांट करके भी आप इसको मसल सकते हैं, लेकिन ये मसलने में आपको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। इस तरह से आपको मसलने हैं।
दोस्तों थोड़ा सा घी हाथ में मैंने लगा ली है और इससे अब सबको अच्छी तरह से ये 8 मिनट तक मैंने इसको तैयार किया है इस तरह से, और अब ये तैयार हो गया है। अब इसको मिला लेते हैं। आप नीचे देख रहे होंगे पकड़ रहा है, तो इसको आप इस तरह छोड़ाते रहें। और दोस्तों ये इस तरह से पूरी अच्छी तरह से तैयार हो गया है और ये अब सेट भी कर गया। 8 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था और अब आप देख रहे होंगे कि ये एकदम सॉफ्ट रेडी हो गया है। अब इसका क्या करना है कि आप लोई बना लें, जितनी बड़ी आपको बनाना है रोटी उस तरह का आप इसका लोई काट ले सकते हो। तो मैं इसको पहले लोई बना लेती हूँ। इस तरह से पेरे बनाकर आप रख लें, जिस साइज का आप बनाना चाहते हो उस तरह से आप इसका पेरा बनाकर रख लें। दोस्तों इस तरह के मैंने पेरे बना लिए हैं। अब यहाँ सूखे हुए आटे में इसको जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह से इसको लगा लेना है और इस पर बेलना है। दोस्तों अब इसको रोटी को मैंने बेल ली है, अब इसको ले चलकर तवे पर रखते हैं। तवा गर्म होने के बाद इस पर रोटी को जैसे रखते हैं वैसे रख देनी है। पहली बार जैसे रोटी को आप कम में ही उलटते हो इस तरह से इसको पलट देना है। दोस्तों अगर घी नहीं खानी हो तो आप साधारण रोटी के जैसे भी इसको इस पर तवे पर बनाकर इस तरह से खा सकते हैं। देखिए इस तरह से ये जैसे रोटी बनती है उस तरह से फूलकर रेडी हो गया है। एक और पेड़ा लेकर इसको तब तक मैं इधर बेल ले रही हूँ। अब पेड़ा को ले लें फिर से इस तरह से इसको रोटी के साइज में बना लेनी है। अब इसको तवे को हटाकर इस पर रोटी रख के देखो किस तरह से फूल रहे हैं। वाओ, कहीं से भी ये रोटी गेहूं के आटे से कम नहीं लग रही है। अब अगर आपको कोई घी से परहेज नहीं है, घी या जो भी ऑयल आप खाते हैं उसे परहेज नहीं है, तो ये और भी स्वादिष्ट लगेगा। मैं इसमें भी आपको बनाकर शेयर कर दे रही हूँ। अब इसको पलट देते हैं। चलिए अब इसको पलट देते हैं और इसमें अब घी लगा देते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये भी फूलना शुरू कर दिया है। इसको अच्छी तरह से आप देख रहे होंगे इस तरह से ये फूल रहा है। गैस लगता है कि गैस को फ्लेम को थोड़ा कम रखें। इसमें घी लगा देते हैं। गैस को थोड़ा मीडियम में रखें, नहीं तो तवा अगर गर्म ज़्यादा हो जाने से जलने का भी खतरा रहता है। तो थोड़ा सा गैस के फ्लेम पर अपना नज़र भी रखें और साथ में इसको घी भी दोनों तरफ पलट पलट कर लगा देनी है। अब घी लगाते ही देखिए ये किस तरह से फूलना शुरू कर दिया है और बहुत सॉफ्ट बनता है। आप इसको खाओगे तो ये मुंह में घुल जाएगा, इतना सॉफ्ट बनता है इस तरह से मक्के की रोटी। और स्वादिष्ट तो इतना कि पूछो मत। दोस्तों घी से परहेज अगर ना हो तो आप घी लगाकर बनाएं और बेहतर बनता है। गैस के फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पर रखें क्योंकि ये काफ़ी बनाते में गर्म हो जाएगा तो उस समय हो सकता है कि जलने का जले, तो इसलिए थोड़ा सा फ्लेम को कम रखें। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से फूल रहा है मक्के की रोटी और इस तरह से फूल रहा है, अच्छा लगता है ना देखने में। दोस्तों आप देखें कितना बेहतर ये बन गया है। ये
चलो जल्दी मैं निकाल लूँ। हालांकि कोई परेशानी नहीं होगी, फिर भी मैं आपको शेयर कर दूँ, अगर ऐसा हो तो कोई आप एक कॉटन कपड़ा ले लो, उसको इसमें रख दो और हाथ से दबा दबा कर इसको लंबाई को बढ़ा लो। इस तरह से भी आप मक्का की रोटी बना सकते हैं, ऐसे आप इसको हाथ से ही बढ़ाते जाएं। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और इसमें उठाने में भी एक तरीका है, इसको उठाने में आप हाथ पर ऐसे करके इसको लेंगे और इसमें से कपड़े को इस तरह से हटा लेंगे। दोस्तों तवा पर मैं उसको लाकर रख दे रही हूँ। दोस्तों अब इसमें आप चाहें तो घी लगा के भी बना सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप हटाकर तवा पर भी इसको बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सीधे भी मक्का की रोटी बना कर के भी सीधे भी खाते हैं, और साग रहे, चटनी रहे, बहुत तरह के तीसी हम लोग के यहाँ होता है उसके साथ खाते हैं। अब मैं इसमें घी ही लगा दे रही हूँ, तो घी लगाने में आप इस तरह से लगाएं। मैंने पहले भी एक बार जिक्र कर ली है कि गैस के फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना है, नहीं तो ये जलने का डर रहता है। और इसके बाद पलट कर फिर दूसरी तरफ लगा दें। तो दोस्तों अब मक्के की रोटी, स्पेशल मक्के की रोटी बनकर तैयार हो गई है, और ये बहुत सॉफ्ट बनती है। आप देखोगे इसको कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सॉफ्ट ये मक्के की रोटी बनी है। बस मैं इसी के साथ अब चलती हूँ। अब आप जिस चीज़ से खाना चाहें आप मक्के की रोटी खा सकते हैं, जाड़े के दिन में ये बहुत पसंद आता है सभी को। तो मैं चलती हूँ, आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत